तो आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड में बाइनोमियल थ्योरम कैसे क्रिएट करते हैं या बाइनोमियल थ्योरम को विद मॉडिफिकेशन कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऊपर मेन्यू पर जाएंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर कॉर्नर में सेकेंड लास्ट दे रखा है एडुकेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे और सेकेंड नंबर पर दे रखा है बाइनोमियल थ्योरम, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इसमें सक्सेसफुली हमारी सीट पर एंटर हो चुका है। अब हम इसे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की के साथ जूम कर देंगे, यानी बड़ा कर देंगे इसका साइज़। ये बड़ा हो गया है। उसके बाद जितना भी ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है, हम यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो हमें नंबर ऐड करना वो ऐड कर सकते हैं, प्लस की जगह माइनस कर सकते हैं, इक्वल की जगह नॉट इक्वल कर सकते हैं, एन की जगह कोई हम नंबर लिख सकते हैं, के की जगह कोई नंबर लिख सकते हैं, तो साइन कोस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पूरी तरह हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से और एक अच्छा मैथमेटिकल फॉर्मूला या बाइनोमियल थ्योरम क्रिएट कर सकते हैं